अब देखिए, मैं दो मैच से कोई बुरा या अच्छा नहीं हो जाता, लेकिन मैं यही देखना चाहता था मेरी जान कि इंडिया से बाहर निकलोगे, जहां पे तुम्हारा कोच बोलता है कि वर्ल्ड कप फाइनल इसलिए हारे बेटा क्योंकि ना पिच में टर्न नहीं मिला जी। सपोजिटली पैराफ्रेज कर रहा हूं, बोला तो यही है ना कि पिच की वजह से हार गए थे हम तो फाइनल। पांच पिचेस को तुम्हारा आईसीसी ने जो इंडिया में मैच हुए हैं उनको दिया बिलो एवरेज। कौन से मैच थे जी वो, जो सारी बड़ी टीमों से खेले हुआ, और एक प्रेशर मैच पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला मैच सब पार पिच, ऑस्ट्रेलिया फाइनल सब पार पिच, साउथ अफ्रीका वाला मैच एवरेज पिच, इंग्लैंड वाला मैच एवरेज पिच। जो जो ढंग की टीम थी तुमने वहां पे अपनी कारिस्तानी कारीगरी करके दिखा रखी थी ना, मतलब बाहर आयो तुम्हारी असलियत सामने आ रही है। जब से साउथ अफ्रीका आयो, जो पहला मैच नहीं हुआ वहीं पे मैंने स्पोर्ट्स चैनल बैठ के मैं एक अकेला जर्नलिस्ट हूं जिसने बोला था रेन सेव्ड इंडिया, यहां पे मारो ना रन यार, यहां पे बनाओ रन। और तुम्हारी बोलिंग एक मतलब की एक पता नहीं ऐसा हमें किसी ने बद्दुआ दे रखी है कि क्या है। यूएई वाला वर्ल्ड कप देख लो 152 फॉर नो लॉस पाकिस्तान जीतती है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप देख लो 172 फॉर नो लॉस इंग्लैंड जीतती, एक विकेट तुमसे नहीं ली जाती। और क्यों नहीं ली जाती जी, जो तुम्हारा बेस्ट बॉलर है, जो तुम्हारा नंबर वन T20 बॉलर है, अभी यही बात कर रहे थे कि भाई नंबर वन T20 बॉलर जो है तुम्हारा रवि बिश्नोई, उस जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के आ रहा है उसको खिलाया नहीं। अच्छा कौन तुम्हारी जान बचाता था वैसे बाय द वे भाई, अभी जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ है, शुरू में मारते थे ऑस्ट्रेलियन तुम्हें, दोनों ओपनर मारते थे, आता था रवि बिश्नोई बोल्ड मारता था, कभी मैथ्यू शॉट को बोल्ड मार रहा है, कभी दूसरे वाले को बोल्ड मार रहा है, विकेट ले रहा है, वहां से रिदम तोड़ता था। आज वो था ही नहीं, इन्होंने तुम्हें तोड़ दिया। जहन्नम की लानत में बोलता हूं 13.5 ओवर्स में 154 चेज हो गया, 154 फॉर 5, वो भी बीच में उन्होंने थोड़ी विकेट फेंक दी अपनी, क्लासिक वगैरह थोड़ा जल्दी खत्म करने के चक्कर में मिलर वगैरह चले गए, कोई मुश्किल तो इनको हुई नहीं। डकवर्थ लुईस जहां पर तुम्हारा 9 रन प्रति ओवर तुम दे रहे थे, 10 रन प्रति ओवर हो गया, 15 ओवर में 152 चाहिए थे, इन्होंने तो मार मार के पावर प्ले में खत्म। दूसरे ओवर में तो अर्शदीप सिंह को 24 रन पड़ गए थे, अर्शदीप को हुआ क्या है? और मैं बताता तुम्हें आज क्या हुआ है, वर्ल्ड कप तुम्हारा सामने खड़ा हुआ, अर्शदीप सिंह जो आज वनडे में आ गया, मेरे भाई वो पहले वनडे में क्यों नहीं आया था लेफ्ट आर्म बॉलर, जब वर्ल्ड कप सामने था तब तुमने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर करके तो तुम प्लेयर को खत्म कर देते हो। आज की डेट में रवि बिश्नोई ड्रॉप कर दिया, अच्छा ईशान किशन को जो मुश्किल पिच है उस पर ड्रॉप कर देते हो, है ना, ये प्रूव कर लेना कि आज हितेश करन नहीं आया, कल जितेश करन नहीं आया, चलो जी उसको बाहर कर दो, ईशान किशन जो 15-20 मैच से फेल होकर आ रहा है उसको खिलाएंगे हम, हाँ लेकिन जहां पे मुश्किल पिच होगी वहां नहीं खिलाएंगे, जहां पे इंडिया में 200-200 वाले रन आ रहे थे वहां खिला ले यार, जहां पे जैसी मुश्किल पिच आ गई आ जाओ जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट हम नहीं तैयार करेंगे, शिवम दुबे वगैरह नहीं खेलेंगे, आ जाइए इस पे आ जाइए। तो आप घर से बाहर निकलते हैं, देखो अपने घर पे तो सारे शेयर होते हैं, उल्टे सीधे आपको एनालिसिस मिल जाते हैं, इंडियंस भी बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। इस पिच पे देखकर मैंने आज पहले ही बोल दिया था एक ही बंदा चलेगा सूर्य कुमार यादव, साथ में रिंकू चलेगा, रिंकू तो है अल्टीमेट, और मैं खुद ट्वीट कर चुका नवंबर में ही, ना मैंने विराट के लिए करा ना रोहित के लिए करा कि रिंकू सिंह ही तुम्हें वर्ल्ड कप जिताएगा, बट अब एक ऐसा और कर देना उसको बाहर कर देना, ले आना केएल राहुल को, वो इंतजार कर रहे हैं कि गलती कब होगी। जैसे आपने आज एक रास्ता ढूंढ लिया, आपने रास्ता बनाया था कुलदीप यादव के लिए, और इवेंचुअली वो रास्ता आपके ऊपर ही भारी पड़ा। अब ये देखो कि आप मैच हारे कहां पर, आपके बॉलर्स ने क्या किया। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये हमारी बॉलिंग ना बेस्ट नहीं खेल रही थी, यहाँ पर हमारे बुमराह नहीं थे, यहाँ पर हमारे शामी नहीं थे, कौन नहीं था आपका, वही मैं कह रहा हूँ अभी जो लोग अर्शदीप सिंह वर्ल्ड कप खेला हुआ है, अर्शदीप सिंह वर्ल्ड कप खेला हुआ है, सिराज आपका फ्रंटलाइन बॉलर है, कुलदीप यादव आपके लिए अभी वर्ल्ड कप खेल के आया है, उनको आपने कुलदीप यादव को आपने खिलाया रवि बिश्नोई के ऊपर, दो विकेट भी ले गए, रविंद्र जडेजा वर्ल्ड कप खेलेंगे ना, मुकेश कुमार आपकी न्यू फाइंड है उसको भी आप खिलाना चाहते हैं, उसने भी विकेट लिए, उसने भी हालत, कुलदीप यादव मुकेश कुमार ने दोनों अच्छी बॉल कराई, भूली नहीं कराई, आप मरे कहो अर्शदीप सिंह को हुआ क्या है यार, दूसरे ओवर में 24 रन दे दिए उसने, पिटवा रहे हैं अब यहाँ पर, यही सिराज पहले ओवर में 14 रन दे दिए उसने, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ तो आपका जो वर्ल्ड कप के बॉलर हैं वो तो कुटापा हो रहा है उनका, तो दो धुलाई हो रही है प्रॉपर्ली, यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ क्या तैयारी आपकी, जो लोग आपकी इस बात के गेंद जाएंगे उसी का आंसर दे रहा हूँ, लोग कहेंगे कि भाई अभी हमारे लिए बुमराह नहीं खेल रहा है, यहाँ पर हमारे पास शामी नहीं खेल रहा है, वो दोनों हमारा वर्ल्ड कप खेलेंगे, पर भाई फिर यही लोग कहते हैं कि यार पुराने वालों से कुछ हो नहीं रहा, नए को ले आओ, और जब नए को लाने की बारी तो नए लड़कों को परफॉर्म करना होगा, आज आपके पास एक चैलेंज थी, लेकिन आपकी टीम की सिलेक्शन इस प्रकार की है जो सिलेक्शन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हर्षदीप सिंह से तीसरा ओवर नहीं कराया गया आपसे, डेथ के लिए इस्तेमाल करके मैंने इतना महंगा चला गया, पहले आप एक ओवर में 13 रन खा रहे हो, 24 रन दिए दूसरे ओवर में, यहाँ पे पता चला 7 रन दिए, तीसरा ओवर निकला है दूसरे में 11, पहले में 20, अच्छा 20 चलो लेग बाय का चला गया 24 थे वैसे, और दूसरे में 11 दे दिए, तो 31 की जगह वैसे 35, चलो लेग बाय का मत मानो, पर महंगे जा रहे हैं।